हेलो स्टूडेंट, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? नींद पूरी हो रही है? नहीं हो रही है तो छुट्टियां पड़ रही है भाई साहब, मजे ले रहे हो जिंदगी के, है ना? तो बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ रही है यहाँ, बहुत ठंड है और हम लोग लेकिन पढ़ाई करना नहीं छोड़ेंगे। तो इस बार हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने स्टडीज से फोकस करो क्योंकि आपकी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम नहीं चलते इस बार भी, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड टर्म की फोकस करो पढ़ाई करने की, ठीक है? तो धीरे धीरे करके करते रहो, अभी टाइम है आप लोगों के पास। 2 महीने में सारा सिलेबस खत्म करना है आपको, एक सब्जेक्ट का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका हिंदी हो, वट एवर यू हैव ऑल द सब्जेक्ट जो भी है आपके पास, आप अच्छे से टाइम निकाल के हर एक के बारे में स्टडीज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? क्योंकि वक्त का पता नहीं कब CBSE अपनी डेट शीट निकाल दे, कुछ पता नहीं। तो आज हम लोग लेके आए हैं अपना बढ़िया सा टॉपिक जिसका हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक मोटर। बात समझ है? तो इलेक्ट्रिक मोटर, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देख लिया था कि आपके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या काम करता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या काम करता है, आपके राइट हैंड थंब रूल क्या काम करता है। तो वो चीज हम लोगों ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन की थी, लेकिन अब कहाँ पर वो यूज होंगे वो सब चीजें, वो भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारी पहला चीज है, जब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे, दोबारा मैं डिस्कस करूंगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, जिसको नहीं आया था पहले तो दोबारा आ जाएगा, ठीक है? बस ध्यान से सुनते रहना। तो यहाँ आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्लास 10, आपके पास चैप्टर जो है क्या नाम था इलेक्ट्रिक चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? उसका एक पार्ट है इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ आपके पास देखो, मेरे पास ये 2 मैग्नेट रखी हुई है और ये नॉर्थ पोल है और ये आपके पास क्या है साउथ पोल, नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका क्या कहेगा। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ उठाना, जैसे फॉरेन कंट्री में आपके पास क्या होता था, जैसे इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस होती है वो क्या करती है, FBI होती है और यहाँ पे CBI होती है ना, तो वहाँ FBI होती है। तो FBI ऐसे याद कर लो, F परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है? अपने उंगलियों को तीनों को साइड ऐसे कर लेना, तो ये F मतलब फोर्स और B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और I क्या आपके पास करंट। याद रखना जब मैग्नेटिक फील्ड, जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकालते हैं ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज क्या करते हैं, क्यों करते हैं हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज, अगर हमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है पहली पॉइंट, दूसरी बात हमारे पास करंट की डायरेक्शन है। आई रिपीट, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दूसरा मेरे पास करंट की डायरेक्शन है, तो मैं आसानी से फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका यूज होता है फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। आई रिपीट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका यूज होता है फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। कब मिलेगी फोर्स की डायरेक्शन, जब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन हो, आपको करंट की डायरेक्शन गिवन हो, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। बात समझ आई? यस और नो? ठीक है, समझ आ गई होगी बहुत सिंपल तरीके से। आप देखो ये क्या है F, ये क्या है B और ये क्या है I। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक ही आपका इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है और ये क्या काम करेगा, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर सबको पता है वो क्या काम करता है, किस एनर्जी में किसको कन्वर्ट करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या काम करता है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। हर किसी के घर में मोटर लगी होती है आजकल, आप क्या काम करते हो, स्विच को ऑन करते हो, वो तड़ातड़ अपना काम करना स्टार्ट करता है, क्या करता है पंपिंग करता है, पानी को खींचता है और ऊपर टंकी भर देता है। मोटर का काम ये, और भी कई सारे काम होते हैं। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसे प्रोवाइड किया, मतलब आप लोगों ने स्विच को ऑन किया, जैसे स्विच ऑन किया क्या प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी में, सिंपल सी बात। तो हमें पहला पॉइंट पता चला था, जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना वो क्या काम करती है, क्या काम करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, फिर मैकेनिकल वर्क करती है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ आपके पास हमें पहली चीज बता दें, दूसरी चीज किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, उसका प्रिंसिपल क्या है वो भी तो जानकारी जरूरी होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है, ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ आया होगा, समझ आएगा जब हम इसे समझेंगे। प्रिंसिपल अभी फिलहाल देख लो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, वो कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है, ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस इज फोर्स, जिस कंडक्टर में करंट जाएगा वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है? व्हेन प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कब करेगा एक्सपीरियंस,
जब वो प्लेस्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। आई रिपीट, एक कंडक्टर जिसमें करंट जाएगा या जा रहा होगा वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। कब करेगा एक्सपीरियंस? जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा और वो परपेंडिकुलर रखा होगा। क्या रखा होगा? परपेंडिकुलर। बात समझ आई स्टेटमेंट? तो इसका प्रिंसिपल क्या था और ये किसके ऊपर फॉलो करता है? ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर फॉलो करता है। क्या करता है, किसको फॉलो करता है? इट ओबेज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तभी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से उस फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते। लिखा है ना, एक्सपीरियंस इज ए फोर्स। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन। अब यहाँ देखो, आराम से समझ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे करके समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपके पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, आर्टिफिशियल मैग्नेट, नॉर्थ पोल, और ये आपके पास क्या है? साउथ पोल। और इसके अंदर रिंग रखी हुई है, ये रिंग रखी हुई है और ये होता है शाफ्ट। और ये आपके पास हमने लिया है स्प्लिट रिंग्स, और जो इसके साथ अटैचमेंट है वो ब्रशेस होते हैं। ये आपके पास टर्मिनल कनेक्ट है एक पॉजिटिव से, ये नेगेटिव, और यहाँ की कनेक्ट है। नीचे आपके पास क्या कनेक्ट है? ये की कनेक्ट है, और यहां से आपके पास ये देखो, आराम आराम से इसे कंस्ट्रक्शन समझते हैं। कंस्ट्रक्शन हम लोगों को आराम से समझनी है कि क्या चीज क्या होती है। ये जो रिंग है ना वो ऐसे रखी हुई है बच्चा पार्टी, वो रिंग जो है ना वो ऐसे रखी हुई है, वो रखी हुई है कुछ ऐसे। ठीक है, वो रखी हुई क्या है कुछ ऐसे। मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, मेरे को एक थोड़ा नाम मैं देखता हूँ कॉपी कॉपी। चलो ये ले लेता हूँ। मेरे पास ये कॉइल जो है ना ये कुछ इस टाइप से है। ये कॉइल ऐसे है, ये टर्मिनल कौन सा? ए बी। ये देखो ए और ये बी। ठीक है, ये आपके पास कौन सी है? ए और ये बी, और यहाँ आपके पास बी और सी, इसे मानते हैं बी और सी, और ये सी और डी। ठीक है, ये कुछ ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ये वो आपके पास है कुछ ऐसे रखी हुई यहाँ पर, तो ए बी सी और ये डी। ये बुक समझ लेना कि आपके पास क्या है, रिंग है। ठीक है, कंडक्टर कैरिंग, आपके पास एक कंडक्टर कैरिंग करंट है जो कि आपके पास ये रिंग रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये शाफ्ट जुड़ी हुई है। देखो, ये यहाँ से आपके पास शाफ्ट है और इससे आपकी स्प्लिट रिंग जुड़ी हुई है। स्प्लिट रिंग कुछ ऐसे जुड़ी हुई है, स्प्लिट रिंग कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है स्प्लिट रिंग। ठीक है, ऐसे। और यहां से इसके पास एक ये ब्रशेस हो गए, ये आपके पास क्या ब्रशेस है, और ये आपके पास क्या स्प्लिट रिंग्स है। ठीक है, ये वाले स्प्लिट रिंग्स है वो यहाँ पर। अब ये वाला जो स्प्लिट रिंग्स है और ये ब्रशेस जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये नेगेटिव टर्मिनल से ये वाला कनेक्ट है। बात समझ आ रही है ना? अब देखो, हर एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ आराम से देखते रहना, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी अपन को। अपन को बस समझने से मतलब है कि क्या काम, पहले हमें पता लगा इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है, वो काम करती है क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है या फिर मैकेनिकल वर्क करती है। दूसरी बात, किसका प्रिंसिपल क्या है? करंट कैरिंग, कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। अब देखो कैसे, यहाँ देखो, मैंने की को क्लोज कर दिया। मैंने जैसे ही की को क्लोज किया, सर्किट क्लोज हो गया। अब करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? करंट यहाँ से निकलेगा, वो इस ब्रशेस के थ्रू, इन ब्रशेस के थ्रू वो स्प्लिट रिंग्स पे जाएगा और ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके पास क्यों यूज होता है, स्प्लिट रिंग का काम क्या है, ब्रशेस का काम क्या है, वो मैं भी डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ आपके पास करंट की डायरेक्शन देखो, ए और बी में देखो, करंट की डायरेक्शन क्या चल रही है? ये चल रही है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? बाहर की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखो, ये होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। बात समझ आ रही है? नॉर्थ से साउथ। ये जो रिंग है ना, ये इसने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, अलोंग नहीं रखा हुआ है, ऐसे रखी हुई है रिंग, याद रखना वो ऐसे रखी हुई है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये मेरे पास नॉर्थ है और ये मेरे पास साउथ है, ध्यान से समझना, ये मेरे पास नॉर्थ है और ये मेरे पास साउथ है। करंट की डायरेक्शन ए से बी में चल रही है, पहले इसकी बात करते हैं, ए से बी में चल रही है। रूल लगाओ, कौन सा रूल लगाओ? हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है फोर्स की डायरेक्शन क्या चल रही है। देखो, ये ऐसे रखी हुई है, मैं आपकी साइड से आ रहा हूँ, आपके साइड से देखो, करंट कैसे जा रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? यहाँ से यहाँ है। लेफ्ट हैंड रूल देखो, ये क्या होता है? एफ फोर्स, ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है? करंट। देखो, एफ बी आई, एफ बी आई
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ऐसे, मतलब इधर से ऐसे जा रही है। देखो घुमा दो घंटी, घुमा दिया, बात समझ आ रही है ना? देखो घुमा दिया, मैं ये कुर्सी है, ये आपके पास मैग्नेटिक, लेकिन करंट कहाँ जा रहा है? करंट जा रहा है इस साइड से इस साइड, FBI, ये करंट की डायरेक्शन है। देखो आपके पास करंट जा रहा है यहां से लेके यहां तक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चल रही है ये वाली, तो हमें फोर्स पता करने क्या होगी। देखो FBI, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, करंट की डायरेक्शन देखो नीचे, फोर फिंगर जो मिडिल फिंगर है, करंट की डायरेक्शन है ऐसे, बात समझ आ गई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन देखो मेरी वो मिडिल फिंगर उधर गई, डायरेक्शन वही चल रही है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन क्या चल रही है? नीचे की तरफ चल रही है, बात समझ आई? दोबारा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मेरे पास ए बी टर्मिनल है, और यहाँ से करंट यहाँ जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, इधर की साइड, तो बना FBI होता है। FBI, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, करंट कहाँ जा रहा है? इस साइड से इस साइड, देखो करंट जा रहा है इस साइड, चेंज नहीं करनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो पूरी, और करंट कहाँ जा रहा है? उस साइड। तो आपके पास फोर्स जो लग रही है कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, समझ आई बात? तो इस साइड से आपके पास जो फोर्स लग रही है ना बच्चा फाटे, वो कहाँ लग रही है? ए और बी पे, वो नीचे की तरफ लग रही है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? सिंपल है ना? अब इस साइड पे आ जाओ, इस साइड पे आ जाओ, या चलो इस पे आ जाओ, बी और सी, करंट कहाँ जा रहा है? वैसे जा रहा है करंट, बी और सी पे जा रहा है। अब देखो जरा, ये करंट ऐसे है, करंट कहाँ जा रहा है? अब इस वाले टर्मिनल पे जा रहा है यहाँ से, ठीक है, इस वाले टर्मिनल पे जा रहा है। अब देखो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये कुछ टेढ़ा रखा हुआ है, याद रखना कुछ टेढ़ा रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे जा रही है। ए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, थोड़ी टेढ़ी बना रखा, तो फोर्स देखो थोड़ा ऊपर की साइड लगेगी, टेढ़ी लगेगी टेढ़ी, ठीक है, तो थोड़ा इस साइड लगेगी, क्योंकि आपके पास मैं कुछ ऐसे बना पा रहा हूँ, तो फोर्स जो लगेगी वो बिल्कुल सेंटर से ऐसे लगेगी, सीधी ऐसे बन रही है, तो आपके पास जो फोर्स लगेगी यहाँ पर वो कुछ इस टाइप से लगेगी ऊपर की तरफ। तो यहाँ आपके पास जो फोर्स लगेगी ना वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन जब जब यहाँ पे बात करते हैं सी ओ डी की, हम बात करेंगे, ध्यान समझते रहना, सी ओ डी पे देखो, तो सी ओ डी पे देखो करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है? करंट आ रहा है सी से लेके डी पर, करंट कहाँ आ रहा है? सी से डी पर। तो मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, FBI, FBI, करंट कहाँ जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? उसी साइड ही मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ जा रहा है? इस साइड जा रहा है। देखना जरा फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है ना, फोर्स की डायरेक्शन आपके पास ऊपर है, तो यहाँ आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन निकल रही है वो कहाँ है? इधर, करंट जा रहा है आपकी साइड, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उस साइड, तो आपका पास फोर्स कहाँ जा रहा है? ऊपर की साइड। तो इसका मतलब क्या, इस साइड से तो फोर्स नीचे है, और इस साइड से जो फोर्स की डायरेक्शन है सी ओ डी की, वो कहाँ है? ऊपर की साइड, बात समझ आ रही है? सी ओ डी। अब देखो यहाँ आपके पास जो फोर्स है, इस साइड जो फोर्स थी वो इस साइड लग रही थी, ऐसे लग रही थी, और जब यहाँ पर आएगा वो तो फोर्स इस साइड लगेगी, तो ये वाली फोर्स एक दूसरे से, ये वाली जो फोर्स है जो इस साइड लगेगी, और ये वाली फोर्स और इस साइड वाली फोर्स, वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हम वो यहाँ पर वो कंसिडर नहीं कर रहे, हम कंसिडर कौन सी फोर्स को कर रहे हैं? ए और बी को जो इस साइड लग रही है, और सी और डी को जो कि ऊपर की साइड लग रही है। देखो जरा, इस साइड से फोर्स नीचे लग रही है और इस साइड से फोर्स ऊपर, इस साइड से फोर्स नीचे और इस साइड से फोर्स ऊपर। जब कोई आप ऊपर से इधर से खींचोगे और इधर से इधर खींचोगे, तो ये कैसे मूव करेगी? कुछ ऐसे मूव करेगी, करेगी नहीं करेगी? अब देखो ये कुछ ऐसे मूव करेगी, और एकदम से बहुत तेजी से मूव करेगी, वो एकदम से ऐसे मूव करेगी बहुत तेजी। अब देखो वो इस वाली कंडीशन में, वो ऐसे हो गया, अब वो इस वाली कंडीशन, तो वो एकदम से ऐसे क्यों हो जाती है? देखो ऐसे थी तब, तो वो एकदम से ऐसे क्यों हो जाती है? उसका कारण देखो, यहाँ देखो दोबारा, यहाँ आपके पास ये क्या लगा हुआ है? ये आपके पास स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं। स्प्लिट रिंग्स देखो, पहले वो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ऊपर, पहले वो स्प्लिट रिंग कैसे थे? ऐसे थे। अब उनमें फोर्स लग गई, तो वो कैसे हो जाएंगे? अब इनमें जो फोर्स लगी, पहले इसमें देखो गैप था, यहाँ देखो गैप था, जैसे ही उसके में स्प्लिट रिंग्स,
जैसे ही ये वाली रिंग जो है वो एकदम से मूव करेगी ऊपर की साइड, तो अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, अब ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो जाएंगे, पहले वो सी शेप में थे तब वो सारी शेप में आते ऐसे आते। हाँ देखो यहाँ बिल्कुल ब्रशेस के बीच में गैप आ गया, ये आपके पास क्या था ब्रशेस, ये देखो ब्रशेस टच थे ना इससे इस कंडीशन में, और यहाँ पे ब्रशेस टच थे इस कंडीशन में। अब जैसे ही ये मूव करेंगे तो ये वाला गैप कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो क्या भी एक दूसरे से टच हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर करंट की सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गैप आ गया, अभी ओपन सर्किट हो चुके हैं। देखो यहाँ क्लोज थे इस ब्रशेस से टर्मिनल कनेक्ट है ना, देखो ब्रशेस से टर्मिनल कनेक्ट है। अब जब वो जैसे ही उसमें करंट की सप्लाई हुई है फोर्स लगा, तो वो इस कंडीशन में आ गए, जब वो इस कंडीशन में आ गए ना तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर ये दोनों गैप आ गया ना गैप, ये ऐसे मुड़ गए, तो अब ये गैप आ गया, तो यहाँ पर करंट की सप्लाई बंद हो जाती है। जब करंट की सप्लाई यहाँ पर बंद हो गई तो ये रोटेट कैसे करती है दोबारा, वो ऐसे क्यों हो जाती है, वो एकदम से ऐसे क्यों हो जाती है। बेटा देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा इनर्शिया, ज्यादा इनर्शिया का मतलब क्या होता है, अपोज करना, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा, अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना पसंद कर देगा जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, जैसे ही वो ऐसे की तरफ मूव होगी तो यहाँ पे तो करंट की सप्लाई बंद होगी, तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो इस कंडीशन में ना रुक के वो किस कंडीशन में आ जाएगा, एकदम से इस कंडीशन में, देखो वो इस कंडीशन में आ जाएगा, इस कंडीशन वो किस कंडीशन में आ जाएगा, इस कंडीशन में। अब टर्मिनल कौन सा हो गया, ये हो गया ए बी टर्मिनल हो गया, ये कौन सा टर्मिनल हो गया सी डी, उसका मतलब समझ आया, किस वजह से हो गया वो इनर्शिया की वजह से हो गया, ड्यू टू द मोशन ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो पहले वो ए बी ये क्या था सी ओ डी, अब वो ऐसे हो चुका है, क्यों हुआ लेफ्ट हैंड रूल लगा है, अब ये टर्मिनल कौन सा है सी ओ डी और ये टर्मिनल कौन सा है ए ओ डी, अब दोबारा इसमें वैसे ही फोर्स लगेगा, तो ये इसके डायरेक्शन इधर और इसके डायरेक्शन क्या ऊपर, तो अभी दोबारा ऐसे हो गया, फिर दोबारा वही चीज होगी, फिर दोबारा ऐसे हो गए, फिर दोबारा वो चीज ऐसे होगी, फिर दोबारा, ये कॉन्टिन्यूअसली काम करता रहता है, कब तक, जब तक इसका मैग्नेटिक अफेक्ट का, जब तक इस फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसका अफेक्ट रहेगा तब तक ये काम करता रहेगा, और कॉन्टिन्यूअसली इस डायरेक्शन में क्या करता रहता है, रोटेट होता रहता है। अब ये रोटेट कब हुआ, जब फोर्स कॉन्टिन्यूअसली लग रही है, और आपकी इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो काम करती है, वर्क करती है, वो कॉन्टिन्यूअसली इसकी रिंग जो है ना वो रोटेट होती रहती है, वो रोटेट होती रहती है, रोटेट होती है, और वो पंपिंग करती रहती है वो रिंग, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ आपके पास, अब बात करते हैं इस स्प्लिट रिंग का, जिस स्प्लिट रिंग की तो बात हो गई, ब्रशेस, ब्रशेस का काम करते हैं ये आपके बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ज्यादातर इसमें मुझे लग रहा है कि कॉपर शायद इसमें निक्रोम की शायद यूज होती है, कोटिंग वगैरह होती है, और ये इससे टच होता है, ये क्या काम करता है, ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक करंट को, किसको किसको इलेक्ट्रिक करंट को, किसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है, इस स्प्लिट रिंग को, इस स्प्लिट रिंग के ही द्वारा ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करता है। अगर ये ब्रशेस खराब हो जाते हैं, अगर ये ब्रशेस खराब हो जाते हैं या फिर वो गैप आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर काम करना बंद कर देती है। तो इसका मतलब क्या, जो आपके पास ब्रशेस होते हैं ना, वो ब्रशेस से काम करते हैं, वो एक करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट को ये समझ लेना, करंट को स्प्लिट रिंग तक पहुंचाने का काम करते हैं, सिंपल सी बात ही है। और करंट आ कहाँ से रहा है, जो आप लोगों ने यहाँ से पोटेंशियल दे रखा है, बैटरी लगा रखी है, ठीक है, बात समझ आई। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था किसका, मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा ये सारा का सारा प्रोसेस। यहाँ हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ लेफ्ट हैंड रूल, क्यों इनर्शिया ऑफ मोशन हुआ, कैसे होता है हर चीज पे, वो चीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की डायरेक्शन बनाना सीख लो, ठीक है, तो बहुत काम आने वाली है, ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अपना घर में रहो, सुरक्षित रहो, जय हिंद, जय भारत, टाटा, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, और चाट पकौड़े अगर खाए ना पीने के लिए तो देख लेना, मुझे ही बुला लेना नहीं तो, ठीक है, मैं भी खाऊंगा।